इंदौर नगर निगम के कर्मचारी बड़ी संख्या में अपनी शिकायत लेकर पुलिस थाने पहुंचे, जिसमें उन्होंने बताया कि राव विधानसभा क्षेत्र में मलेरिया और डेंगू के बढ़ते प्रकोप को लेकर सफाई कर्मी और नगर निगम के अन्य कर्मचारी दवाई छिड़काव के लिए गए थे, जिसके बाद इस दल से क्षेत्रीय कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी का विवाद हुआ। पहले खबर आई कि विधायक द्वारा नगर निगम के कर्मचारियों के साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर विवाद किया गया। इस मामले में पुलिस ने साफ कहा कि पहले कर्मचारी शिकायत करना चाहते थे, बाद में कार्रवाई नहीं करने की बात कहकर लौट गए। इस विवाद को लेकर कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि किस तरह से शहर में मलेरिया और डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, रोज मौतें हो रही हैं और नगर निगम के कर्मचारी काम करने की बजाय फीता कटवा कर उद्घाटन करने का इंतजार कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने आपत्ति जाहिर करवाई। नगर निगम के सारे कर्मचारी अधिकारी और खासकर निगम आयुक्त से अनुरोध करना चाहता हूं, पूरे शहर में डेंगू का प्रकोप है, जितनी जल्दी हो डेंगू को लेकर दवाई छिड़काव का काम चालू होना चाहिए। नेताजी आएंगे, उद्घाटन करेंगे, छिड़काव तब हम चालू करेंगे जब तक उस वार्ड का काम रोकेंगे। ये मानसिकता को बदलना चाहिए, थोड़ी गरिमा, थोड़ी मर्यादा, थोड़ा सा वो भाव जिससे कि हम एक जनसेवक दिखें, ये हमारे कर्मचारियों और नेताओं में होना चाहिए। ये नया एक फलसफा चालू किया है कि लोगों की समस्याओं पे, लोगों की यातनाओं पे नेतागिरी करना। इस मानसिकता को हाथ जोड़ के मेरी प्रार्थना है कि कर्मचारी, निगम आयुक्त तो नेता सारे बदले, और आप सबसे अनुरोध है कि अभी काम चालू करो। निगम के अधिकारी डॉक्टर उत्तम यादव आए थे और पता चला था कुछ उनके कर्मचारी भी आए थे। अभी हम लोग आए तो उनको बताया गया था कि जो भी आपके साथ हुआ है एक लिखित शिकायत आप दें तो उस पर हम विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी, जिस पर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता ऐसा एक लिखित आवेदन लेके चले गए, कोई रिपोर्ट नहीं किया। घटना के बारे में उन्होंने बताया नहीं बताया, चूँकि आपस में उनको बताया गया था कि जो भी है आपके साथ हुआ है आप लिख के दो, तो उन्होंने एक लिखित शिकायत की, लिखित आवेदन दिया कि मैं कोई कार्रवाई नहीं चाहता और वापस चले गए।